हेलो फ्रेंड्स, आज दी वीडियो मैं उन्हां पर्सन दे लई लैके आई हां जिहड़े अपने लड़के जां लड़की दे ब्याह दे उपर 20 लाख रुपया खर्च करन लई तैयार ने, जिहड़े चाहुंदे ने कि असी अपनी लड़के जां लड़की दा ब्याह दे उत्ते 20 लाख खर्चन नूं तैयार हां। अज दी वीडियो मैं उन्हां लई लैके आई हां। सो वीडियो दे विच बहुत ही वधिया इनफॉर्मेशन लैके आई हां तुहाडे लई। वीडियो में शुरू तो लेके एंड तक जरूर देखो। वीडियो स्टार्ट करने तो मैं दसना चाहनी हाँ कि यह जो चैनल बनाया गया थोड़े लिए बनाया गया ताकि कैनेडा बारे नवी नवी इनफॉर्मेशन मिल सके, तुसीं घरे बैठ के सारी जानकारी हासिल कर सको। तो अगर तुसीं साडी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करो ताकि आने वाली नवी नवी सारिया वीडियो सब तो पहला तुसीं देख सको। हुण आपां स्टार्ट करते हैं अज की वीडियो। अज की वीडियो के गल कर जा रहे हैं उन्होंने लोगों बारे जिहड़े अपने लड़के या लड़की के विआह ते 20 लाख रुपया खर्च करने लई तैयार ने, तो अज की वीडियो उन्होंने वास्ते है। सब तो पहला आप गल करांगे इंडिया अते कैनेडा की मैरिज सिस्टम के विच की फर्क है उहदे बारे। इंडिया बारे तो ऑलरेडी सारे ही जानते हैं कि इंडिया के विआह का सिस्टम की है। आपां गल करन दी लोड़ है कैनेडा बारे भी कैनेडा के विच मैरिज सिस्टम किस तरह है। तो पहला आप कैनेडा बारे गल कर जा रहे हैं। सब तो पहले तुम दसना चाहनी हाँ कि कैनेडा के लड़का या लड़की के किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, दोनों नूं बराबर मनिया जाता है। पर फिर भी जिहड़ी ये कंट्री है ना कैनेडा, यह एक फीमेल डोमीनेटड कंट्री है, मतलब कि घर के लेडी की ज़्यादा चलती है, उहदे हिसाब दे नाल ही घर के सारा कुछ काम वो हुंदा जो लेडी चाहती है। तो उन्हें अपने विआह भी जो लड़की ने करवाना होंगे अपनी मर्जी न करवाई है, अपनी मर्जी का वो लड़का चुनती है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली ही वह विआह होंगे। कैनेडा के मैरिज तो बिना भी लड़के के लड़की को इकट्ठे रहने की परमिशन दी गई है। कैनेडा के लड़की उस लड़के नूं अपना पार्टनर चुनने की कोशिश करती है जिहड़ा बराबर उहदे जिन्ना ही क्वालिफाइड होवे अते उहदे जिन्नी ही उत्थे कमाई करता होवे। मीनस के वह अपने उस पार्टनर नूं चूज करती है, अपना हसबैंड उस लड़के नूं बनाउंदी है जिहड़ा उहदे बराबर कमाई करता होवे अते उहदे बराबर दी ही लड़के दी क्वालिफिकेशन होवे। सो वह लड़के दे मां बाप दी की प्रॉपर्टी है उहदे विच वह कोई भी इंट्रस्ट नहीं दिखाउंदी है, उहनूं सिर्फ लड़के तक मतलब हुंदा है कि लड़का किन्ना पढ़िया होया उहदे बराबर दा पढ़िया होया हैगा जां नहीं, तो किन्नी उहदी क्वालिफिकेशन है कि उहदी क्वालिफिकेशन नाल उहदी क्वालिफिकेशन मैच करती है जां नहीं करदी। कैनेडा दे विच की है, अगर लड़के लड़की दे जे मैरिज नहीं हुई, मैरिज तो पहला भी वह एक दूसरे के कोल आ जा सकते हैं, मिल सकते हैं, पार्टी वगैरह कर सकते हैं, ईवन के एक दूसरे कोल रहना हो उन्होंने तो वह इकट्ठे रह भी सकते हैं। तो ये की होंगे वह एक दूसरे दीयां होबीज बारे जान सकते हैं, एक दूसरे का की इंट्रस्ट है, किस चीज़ में ज़्यादा इंट्रस्ट है वो बारे जान लेंगे, एक दूजे बारे काफ़ी कुछ उन्होंने पता लग जाता है, लड़की नूं लड़के बारे पता लग जाता है और लड़के नूं लड़की बारे काफ़ी कुछ पता लग जाता है। मीनस कि वह कितनी कमाई करता है लड़का, जब लड़के को पता लगता भी लड़की कितनी कमाई करती है, की उहदियां होबीज ने, कि वह नशा करता है या नहीं करता, यह सारी जानकारी वह पहला ही लै लेंगे। ईवन कि लड़की ने भी पता लग जाता है भी उसके जो लड़के को मैरिज कर जा रही है वह लड़के की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, कि सारी जानकारी उन्होंने पहला ही मिल जाती है। ईवन कि विआह तो बाद जेकर लड़के के माता पिता इंडिया तो बुला हो भी घरवाली की तो घरवाली के कोल ही पूरी पावर होंगी, घरवाली की परमिशन तो बिना लड़का अपने माँ बाप को नहीं बुला सकता। इतने मोस्टली ये भी होंगे कि जी लड़की है विआह तो बाद अपने माँ बाप को तो कनेडा बुला लेंदी है पर वो ये इंट्रस्ट नहीं दिखाती कि लड़के दे माँ बाप कनेडा पहुँचा। सो जिहड़े माँ बाप 20 लाख रुपया ला के अपने लड़के का विआह कनेडा कर रहे हैं उन्होंने सावधान होने की लोड़ है। 20 लाख रुपया ला भी रहे हो तो कुछ गल्लां सोचने की जरूरत। कनेडा दे विच की है, हसबैंड ते वाइफ की जिहड़ी सैलरी है वह इक्को सांझे बैंक अकाउंट दे विच आउंदी है, इनकम टैक्स की रिटर्न है वह भी उन्होंने साझी भरी जाती है, इकट्ठी भरी जाती है,
मकान अते कार दोनों दे नाम दे कठे हुंदे ने। इस करके अगर तुसी चाहो भी लड़का चाह के भी अपने बैंक दे विचों पैसे कढ़वा के तुहानू नहीं भेज सकता। सो ये गल्लां दा मां बाप नू पता होना चाहिए। कनेडा दे विच की है, लड़कियां ज़्यादा इंटैलीजेंट ने, वह अपना बुरा भुला खुद समझदियां ने, अते वख-वख देशां तों आए हुए स्टूडेंट उत्थे इकट्ठे पढ़दे ने अते एक दूजे के कल्चर नू समझदे ने। वह आपस दे विच कुछ ना तालमेल बना के रखदे ने। इहदे नाल की है, वह एक दूजे कंट्री के कल्चर नू समझण की कोशिश करदे ने। तां इहदे नाल की है, हर मतलब कि काफ़ी उनकी नॉलेज वध जांदी है। हर एग्जाम दे विचों पासिंग मार्क्स जिहड़े हुंदे ने वह 70% हुंदे ही हुंदे ने। ते जिहड़ा होमवर्क है वह कंप्यूटर के सामने बैठ के इंटरनेट पर भेजा जाता। सो जिहड़े इंडिया तो कनेडा दे विच पढ़ने लिए लड़कियां जांदियां ने उन्हां नू पढ़न दा ज़्यादा शौक हुंदा है, वह इंटैलीजेंट हुंदियां ने ते नाल ही वह कंप्यूटर की नॉलेज भी रखदियां ने। जदों कि जिहड़े इंडिया तो लड़के जांदे ने उन्हां नू इंग्लिश ते कंप्यूटर दे विच उन्हां दा मोस्टली हथ तंग हुंदा, तां मोस्टली की हुंदा वह कनेडा जाके पढ़ाई दे विच मोस्टली फेल हो जांदे, मतलब उन्हें वधिया नंबर नहीं आउंदे। तां वह की करदे ने कनेडा दे विच पक्के होण दे लई कनेडा रह रहियां जिहड़ियां इंटैलीजेंट लड़कियां ने उन्हां दा सहारा बणदे ने, मंगते हैं, मीनस के उन्होंने को अपना होमवर्क करवाते हैं, उन्होंने को ही जिंदी कि उन्होंने पेमेंट करते हैं भी तुम सा होमवर्क कर दो असं तो पेमेंट कर पाए। ये की है, वह उन्हों की थोड़ी बहुत हैल्प भी कर दें, घर के काम भी हैल्प कर देंगे, हौली हौली उन्होंने फ्रेंड सर्कल बन जाता है, कट्ठे घूम जाते हैं। तो ये की है, उन्होंने आपस के ने वधिया रिलेशन बन जाते हैं, फ्रेंड सर्कल वधिया बन जाता है। ये की होंगे हौली हौली जोड़े वो लड़के ने वह कनेडा के रिश्तों के पक्के हो जाते हैं फ्रेंड सर्कल के, वो इंडिया के रिश्तों भुल जाते। सो असी अपने जे अपने इंडिया के वासी ने असं उन्होंने रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जेकर तुसी अपने लड़के या लड़की को कनेडा भेजना है तो उन्होंने कनेडा पहुँचने तो बाद ही विआह करो। कनेडा के विच ही तुसी अगर विआह करोगे तो उहदे फायदे होंगे। वो की फायदे होणगे तुहानू वी मैं दस दिनी हाँ। कनेडा विच की है, एक तां सिंपल विआह दी रसम बिल्कुल सिंपल हुंदी है। मैरिज मैरिज वास्ते लड़के ते लड़की दे माँ बाप दा जिहड़ा वीज़ा है वह बहुत ही आसानी नाल लग जाता है। जेकर वह विआहे नहीं जाणगे उन्होंने पक्के होने वास्ते अलग अलग अपनी फाइलां लगाउणियां पैणगियां जिहदे नाल उहदा खर्चा डबल होएगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਡਬਲ ਹੋਣਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਾਈਲ ਲਗਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਡਬਲ ਆ ਹੁਣ ਡਬਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਐਸ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਐਸ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1604765-5008। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 9888295000। ਸੋ ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।